हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। ओके, ईच एटम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनर्जी लेवल एंड डिफरेंट सेल्स, वी नो दैट। ओके, ऑन द टॉपिक ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट मींस द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट is called valence electron, is called valence electron. For calculation of valence electron, first we write electronic configuration. As for example, atomic number of sodium is 11, it has 11 electron and its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. In the first orbit of sodium atom contain 2 electrons, second orbit contain 8 electrons and third orbit contain 1 electron. So in last orbit it have only 1 electron, so we can say that its number of valence electron is 1. Number of valence इलेक्ट्रॉन इज 1, क्लियर। हम लोग कह सकते हैं कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है क्योंकि ये लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसे क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग 1 बोलेंगे। सपोज यू हैव सेकंड एग्जांपल, सल्फर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, नाइट्रोजन एटम 7, 1s2, 2s2, 2p3। ओके, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट लेंगे 8 है, कितना हो गया 5। यह है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यह है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसको निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई बहुत टफ काम नहीं है। एटॉमिक नंबर याद है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो आपके पास अपलोड पहले से है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का निकालना रहेगा तो पता है आपको पहले से। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, को क्या निकालना है, वैलेंसी, क्या निकालना है वैलेंसी, ये थोड़ा सा टफ है, वैलेंसी थोड़ा सा टफ है, इसमें थोड़ा सा थ्योरी है बाबू, इसको देख लीजिए। वैलेंसी के लिए क्या करना होता है, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 और 2 और 3, देन इट्स वैलेंसी मस्ट बी 1, 2 और 3। कुछ इसके रूल हैं, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंसी इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी 3, 4, 4, 5, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 6, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 7, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मीन्स यदि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो वैलेंसी कितना होगा 1, 2 है तो कितना होगा 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 8 माइनस क्या करेंगे 5 कर देंगे। इफ यू हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 3, देन वैलेंसी मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन दीज रूल। ओके, वैलेंसी निकालने के लिए अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 और मोर देन 4 है, मैं यहाँ पे 4 को 4 ले लिया हूं क्योंकि उतना ही आएगा, तो अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 और मोर देन क्या है 4 है, तो उसमें से अगर वैलेंसी निकालना रहेगा तो वैलेंसी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस साफ लिख देता हूं, ठीक है, वैलेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला है बाबू, ठीक है।
किसी भी एटम का वैलेंसी निकालना रहेगा इसी पे बनता है। जिस एटम का वैलेंसी वन होगा क्या होगा बाबू, वन होगा, टू होगा और थ्री होगा, वो सब थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होते हैं। क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होते हैं, या इन अदर वर्ड हम उसको बोल सकते हैं कि जिस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन टू और थ्री होगा, वन टू और थ्री होगा, वो ज्यादा एक्टिव मेटल होता है। बातों को ध्यान से सुनना है कि जिस इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन टू और थ्री होगा वो ज्यादा एक्टिव मेटल होगा। ओके, जिस नॉन मेटल का वैलेंसी वन टू थ्री होगा वो नॉन मेटल भी ज्यादा एक्टिव होता है, और जिसका वैलेंसी क्या होता है, जीरो होता है, वो रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आपका इनर्ट गैस हो गया, चाहे वो हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन, ज़ेनन, रेडन, ये सब रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ये नहीं सोचना है कि सर आर्गन का तो कंपाउंड है, ज़ेनन का तो कंपाउंड है, XeO2, XeO3, XeO4, ये आपको नहीं सोचना है। समय के साथ आपके पास ये पहुंचेगा। वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, वीडियो को देखिए, पढ़िए, ठीक है। अभी आपको जो बताया जा रहा है, क्योंकि ये बेसिक क्लास चल रहे हैं, अभी बेसिक केमिस्ट्री के क्लास है, उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री है, एक्टिव मेटल है, वैलेंसी वन टू थ्री है बाबू, और केस क्या है, नॉन मेटल का है, केस क्या है, नॉन मेटल का है, तो नॉन मेटल ज्यादा एक्टिव होता है। ऐसा नहीं कि सर ऐसा ऐसा आपने बोला, नहीं, आप कंसेप्ट पे आधारित सारी चीजें, क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके मेडिकल एग्जाम के, क्योंकि मेडिकल के एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको कंफ्यूज कर देगा बस। ओके, अगले वीडियो बने रहिए, अगले वीडियो में आपको आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर, आइसो इलेक्ट्रॉन, ये सब बताया जाएगा। थैंक्स।